हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स के 13 रूल्स को। रूल नंबर 13, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम सिंटेक्स। और इस टॉपिक के 13वां रूल्स को जानेंगे हम लोग आज। यदि दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जोड़ा जाए तो उस वाक्य का वर्ब अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो जो है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिए रहेंगे। यहाँ लिखा भी है यदि दो सब्जेक्ट्स, कोई भी दो सब्जेक्ट जब भी नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है तो इसके साथ दो सब्जेक्ट अवश्य आएंगे। एक नॉट ओनली के बाद होंगे और दूसरा क्या होगा, बट आल्सो के बाद होगा। सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउंस, और नाउन या प्रोनाउंस मतलब कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लुरल हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, मतलब जो भी रहेगा। नॉट ओनली के बाद और बट आल्सो के बाद जब दो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देगा तो उस वाक्य का वर्ब, जब उसमें वर्ब हम लोग को मानना होगा या लिखना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, अंतिम वाले सब्जेक्ट। यहाँ पर जो बट आल्सो है ना, इसी को बोलते हैं अंतिम सब्जेक्ट, क्योंकि पहले ये आ रहा है और बाद में ये आ रहा है, अंतिम सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउंस, उसी को देख करके हम लोग वर्ब मानते हैं, समझे। बट आल्सो के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउंस सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। एग्जाम्पल है नॉट ओनली राम, बट आल्सो हिज ब्रदर्स ब्रैकेट डिसऑनेस्ट। ऑप्शन है इज और ऑप्शन है आर। आप देख सकते हो कि नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट है पहला सब्जेक्ट वो राम है, और बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है अंतिम सब्जेक्ट वो हिज ब्रदर्स है। ये सिंगुलर है और ये आपका प्लुरल है। तो अगर इस सेंटेंस में यहाँ अगर वर्ब मानना होगा तो हम इसको नहीं देख के मानेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें साफ लिखा हुआ कि अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है, ब्रदर्स है ना, यहाँ पर ये जो है आपका प्लुरल है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इज सिंगुलर है, आर प्लुरल है, तो सेंटेंस में इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर आर को मानेंगे और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु के साथ किसी और भी व्यक्ति वस्तु को मतलब शामिल किया गया है। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास केवल पेंसिल ही नहीं बल्कि कलमें भी हैं। जैसे मान लो कि कोई बोलेगा मतलब कि न केवल उसके माता पिता बल्कि पूरे परिवार भी क्या है, ईमानदार है। तो उस तरह क्या होगा, किसी व्यक्ति वस्तु को
दर्शाते हुए बतलाते हुए आप किसी और व्यक्ति वस्तु को शामिल करते हैं। यहाँ पर राम के साथ साथ किसको शामिल किया गया है, उसके भाई लोग को भी, यानी कि न केवल राम बल्कि उसके सभी भाई क्या हैं, बेईमान हैं। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो राम के साथ साथ राम तो डिसऑनेस्ट हैं ही, उसके भाई लोग भी क्या है, डिसऑनेस्ट हैं। और इसको देख करके क्या मानेंगे हम लोग, वर्ब यहाँ पर आर होगा। आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर यहीं अगर जो नाउन यहाँ पर होता और राम यहाँ पर होता, उस केस में क्या होता आपका, हम राम को देख करके हम लोग यहाँ पर इज मान लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं इसी रूल पर। नेक्स्ट है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर डैश नॉट पंक्चुअल, ऑप्शन ईच और ऑप्शन आर। यहाँ जो लिखा है पंक्चुअल, इसका मतलब होता है समय निष्ठ, वैसे पर्सन जो समय को देखते हुए समय पर कोई कार्य करते हैं उसको बोलते हैं पंक्चुअल, यानी कि बहुत ही कम लोगों के पास पंक्चुअलिटी होती है, जो एक काम को मतलब किसी भी काम को सही समय पर करते हैं, पंक्चुअल इसको बोलते हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक है स्टूडेंट्स और दूसरा क्या है टीचर। इसमें बोल रहा है कि न केवल विद्यार्थी लोग बल्कि उसके शिक्षक भी क्या है, पंक्चुअल नहीं है। तो यहाँ पर जो अंतिम सब्जेक्ट है बट आल्सो के बाद क्या है, द टीचर है, और टीचर क्या है यहाँ पर है, तो सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा इसको देखते हुए हम लोग इच को मानेंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, आपका इज होगा। देख सकते हो न केवल विद्यार्थी लोग बल्कि उसके शिक्षक भी, मतलब जो शिक्षक है वो भी क्या है, पंक्चुअल है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ पर मतलब जो टीचर्स होते हैं उनका कोई राइट टाइम नहीं होता है, वो अपने मन से आते रहते हैं, आपने देखा और सुना होगा, ये कॉमन सी बातें हैं, स्पेशली इस बात को हम नहीं बता रहे हैं, समझे। तो जैसे स्कूल के टीचर्स होंगे वैसे बच्चे भी क्या होंगे, बच्चों को न पढ़ने का चिंता होता है और टीचर्स को न पढ़ाने का चिंता होता है, समझे ना। तो इस चीज़ को भी हम लोग मतलब कहीं ना कहीं देखने सुनने को मिल जाता है कि सरकारी स्कूल में क्या होता है, अच्छी पढ़ाई नहीं होता, इसलिए हम लोग प्राइवेट स्कूल कॉलेज को पकड़ लेते हैं, प्राइवेट कोचिंग पकड़ लेते हैं, समझे। चलिए इस चीज़ को हम लोग अब क्लोज करते हैं, ये रूल जो 13 जो है कम्प्लीट हुआ, और चलेंगे अब हम लोग रूल 14 पर, तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं। रूल 14 भी क्या है, रूल 13 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लीजिएगा उसमें क्या डिफरेंट है और किस तरह के सब्जेक्ट हैं, हम यहाँ पर आपको बतलाते हैं। यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउंस यानी संज्ञा और दूसरा इस जो इसके बदले आता है प्रोनाउंस को और उसके बाद नॉर उसके बाद आइदर और उसके बाद नाइदर नॉर से
अलग किया जाए तो उस वाक्य का वर्ब नजदीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो नजदीक सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। आप देख सकते हैं यहां पर और है, नॉर है, आइदर और है और नाइदर नॉर है। यहां पर चार अलग अलग शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि और का मतलब क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं और का हिंदी जो होता है या, जैसे सोनू या मोनू स्मोक्स एवरी डे, मतलब सोनू या मोनू दोनों में से कोई एक, दोनों को नहीं, क्योंकि जब भी और नॉर आइदर और नाइदर नॉर का जब प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ जो भी नाउन आते हैं या प्रोनाउंस आते हैं उसका काम क्या होता है, इनका काम होता अलग करना। अब सोनू और मोनू दोनों स्मोक्स नहीं करते हैं, बल्कि सोनू या मोनू स्मोक्स एवरी डे, समझे क्या किया, उसको अलग कर दिया। तो और का जो हिंदी अर्थ होता है या और नॉर का जो हिंदी अर्थ होता है आप ना बोल सकते हो। सोनू नॉर मोनू, मतलब ना तो सोनू और सोनू ना मोनू, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब कोई नहीं करता है स्मोक्स प्रतिदिन। उसके बाद है और को ही लिखा गया है पेयर में आइदर और, समझे, पहले और था, अब क्या हुआ आइदर और, तो इसका क्या होगा या तो या, मतलब या तो सोनू या मोनू स्मोक्स एवरीडे, मतलब दोनों में से या तो सोनू करता है या फिर मोनू करता है स्मोक्स। और नेक्स्ट है आपका है नाइदर, उसके बाद नॉर, इसमें होगा न तो आपका न होगा, न तो सोनू करता है और न मोनू करता है स्मोक, मतलब दोनों नहीं करता है। आप देख सकते हो कौन से वो शब्द हैं, तो वे चार शब्द हैं, एक और है, दूसरा नॉर है, आइदर है और नाइदर है। एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि और आपका पॉजिटिव है या आपका निगेटिव है। सिमिलरली आइदर और आपका पॉजिटिव है, नाइदर नॉर क्या निगेटिव है, इसको भी देखना है। अब चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पर, क्लियर, इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पहले दो, हम लोग यहां लिखा हुआ है आइदर यू और ही ब्रैकेट है, उसके बाद गिल्टी है, ऑप्शन आपका है हो गया इट और आर। दूसरा एग्जाम्पल है आपका Neither he nor I, ब्रैकेट है फिर गिल्टी है, ऑप्शन है आपका each और am। आप देख सकते हो यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग किया गया है, एक यू और एक ही को, या तो तुम या फिर वो, दोनों में से कोई एक जो है वह दोषी है, समझे। तो यहाँ जो वर्ब होगा हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक में ही है तो ही को फॉलो करेंगे और ही के मुताबिक हम लोग वर्ब को करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर इज होगा ही के लिए, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ इज का प्रयोग होता है। आपका आंसर क्या होगा, इज होगा। उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर आई दिया है, समझे, तो आई के नज़दीक जो वर्ब है वो कौन सा है, ब्रैकेट है ना, ये जो वर्ब है आई के अनुसार ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम आई एम को मानेंगे। तो यानी कि देख सकते हो कि इस वाले सेंटेंस में जो नज़दीक का वर्ब है
उसी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। ये रूल 13 में भी था कि अंतिम सब्जेक्ट, इसको आप कह सकते हो अंतिम सब्जेक्ट, लगभग 13-14 सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है। क्योंकि अभी जो हमने सेंटेंस दिया तो ये सेंटेंस आपका एसर्टिव में है, अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कर देंगे तो थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट, फिर यू और ही टू ब्लेम, यहाँ ब्रैकेट पहले आ गया, मतलब सहायक क्रिया जो ऑप्शन होगा आपको पहले भरना पड़ेगा। आज जब सहायक क्रिया पहले आता है तो वो क्वेश्चन क्या होता है, इंट्रोगेटिव के सेंस में होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका, इज होगा और आर होगा। और एक और लेते हैं, पहले ब्रैकेट, दी चाइल्ड और द पेरेंट्स टू बी ब्लेम्ड, आप देख सकते हो इसको भी। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चन दिया गया है अलग अलग, एक में आपका यू और ही है, दूसरे में क्या है, द चाइल्ड और द पेरेंट्स, और दोनों क्वेश्चंस के पहले क्या है, ब्रैकेट दिया गया है। रूल्स के मुताबिक पहले ही चर्चा कर दिया गया है कि जब कोई दो सब्जेक्ट इन शब्दों से अलग किया जाएगा, मतलब जुड़ा रहेगा, मतलब इनके साथ ही जुड़ा रहेगा, हालांकि काम होता है इनका दो सब्जेक्ट को अलग करना, तो जब भी इनके साथ होगा तो हम लोग ने पढ़ा अभी कि नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार भर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो भर्ब का नज़दीक था वो ही था, और यहाँ पर जो भर्ब था उसके नज़दीक क्या था, आई, समझे। और यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट है, इसके जो समीप सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, यू, आप समझ रहे होंगे, जबकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में ऐसा कुछ नहीं था, केवल अंतिम सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसमें क्या होगा, जो नज़दीक का सब्जेक्ट होगा उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर रहेगा तो नज़दीक हमारा आई और ही हुआ, और अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा तो नज़दीक में हम लोग यू को लेंगे, ही को नहीं मानेंगे, काफ़ी वो दूरी पर है यू पर, इसमें क्या मानेंगे हम लोग, चाइल्ड को लेंगे। तो यू के लिए क्या होता है, इज और आर, आर होता है, यहाँ पर आर करेंगे, एक कैपिटल कर दीजिएगा, चूंकि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, तो आर से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग ना, तो आर में एक कैपिटल कर दीजिएगा। और इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन हम लिख देते हैं इज और आर, आप भर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, द चाइल्ड है, इसलिए क्या होगा, चूँकि सिंगुलर में है ना कि प्लुरल है, चिल्ड्रन ये सिंगुलर है, तो क्या होगा आपका, एज होगा, समझे। और ये जो आपका रूल जो 14 भी आपका कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरा उम्मीद होगा आप लोगों से कि जो 13 और 14 रूल्स बताया गया आज इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्रामर के हर एक टॉपिक को ईजी करने के लिए, अगर आप हमारे इस चैनल्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि हर एक वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।